तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है कि तुम यहां से चली जाओगी। जी दादू, मेरे ख्याल में मुझे वापस चले जाना चाहिए। अब तो मेरे पास भी कोई हक नहीं है तुम्हें रोकने का। आपके पास सारे हुकूक हैं, ऐसा मत कहें। जुहेर की आंखें बुझ सी गई थी, लेकिन अभी कुछ देर पहले जब तुम्हें देखा तो उसकी आंखों में चमक लौट आई। क्या हम कोई और बात नहीं कर सकते? ताबा, तुम इतनी सख्दिल तो नहीं थी। वक्त ने बना दिया है, और कुछ लोगों के रवैये में। तुम उसको भूल नहीं सकती? क्यों, आंखें क्यों झुका ली? देखो मेरी तरफ। प्लीज दादू, आप मेरे एक काम करेंगे? कहो। खालिद अंकल से कहें कि जल्द से जल्द मेरे घर का कुछ कर दें, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तो तुम मुझे छोड़ दोगी? मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती। आपने ऐसा क्यों कहा? फिर ऐसे क्यों कर रही हो? दादू, मैं अपनी जिंदगी आराम और सुकून के साथ गुजारना चाहती हूँ, सुनना नहीं चाहती। तो किसने रोका है? गुजारो तुम सुकून से, लेकिन जुहेर के साथ हमारे घर। जुहेर मेरी जिंदगी से जा चुका है, वो दोबारा कभी नहीं आ सकता। आई एम सॉरी, मुझे इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी आपसे। कोई बात नहीं बेटा, ये तुम्हारा रद्दे अमल है। चाय पियेंगी आप? हाँ, लगता है एक जमाने से तुम्हारे साथ चाय नहीं पी। अभी ये तो हेलो। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम। आने का मत कहना मुझसे, मैं इतनी जल्दी वापस नहीं आऊंगी। बल्कि हो सकता है कि मैं आज ताबा के पास ही रुक जाऊं, तुम मुझे कल लेने आओ। दादू, आप वहां शौक से रुक जाइए, लेकिन अभी मैं आपको लेने आ रहा हूँ। मैंने कहा ना तुमसे। दादो, जुहेर का एक्सीडेंट हो गया, अभी हम लोग हॉस्पिटल में। हाय मेरे अल्लाह, जुहेर का एक्सीडेंट हो गया? वो ठीक तो है ना? दादो परेशान मत हो, ठीक है, मामूली सी चोट लगी उसे। सच सच बताओ, तुम मुझे बहला तो नहीं रहे? जुहेर ठीक है ना? दादो मैंने कहा ना, वो बिल्कुल ठीक है, बस आप तैयार रहे, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। अल्लाह करे वो ठीक हो। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक होगा। शहरयार मुझे लेने आ रहा, तुम दुआ करना उसे कुछ ना हो। इस उम्र में दुख सहने की ताकत नहीं है मुझ में। परेशान ना, आए मैं बाहर चलती हूँ।